चलिए सेकंड सेक्शन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। इस बार भी हमको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और क्या गिवन है, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। और अगर एक्स माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है, इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू वन वी मस्ट गेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कंसेप्ट यही होगा, आपको क्या करना है, एक्स माइनस वन फैक्टर है पी एक्स का, इसका मतलब एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। पहले हम एक्स माइनस वन का जीरो निकालेंगे, तो एक्स कितना मिल जाए आपको, वन। और जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पी एक्स में, तो पी एक्स कितना मिलना चाहिए फाइनली आपको, जीरो। बस यही करना है आपको। देखिए तो मैं लिखता हूं, सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, देयर फोर एट एक्स इक्वल टू वन पी एक्स मस्ट बी जीरो। एक्स इक्वल टू वन पुट करने से पी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो। और ये एक्स इक्वल टू वन कहां से आ रहा है, हमने एक्स माइनस वन का जीरो निकाला है, ठीक है। उसको इक्वेट करते हैं जीरो से, उससे जो एक्स की वैल्यू आती है वो इसका जीरो होता है, ठीक। अब बस कुछ नहीं करना आपको, एक्स इक्वल टू वन पुट करना है पी एक्स में, ये हो जाएगा पी ऑफ वन आप निकाल रहे हैं। सॉरी, इस बार तो डायरेक्ट आपको पी एक्स की जगह क्या पुट करनी है, जीरो, क्योंकि एक्स माइनस वन जो फैक्टर है। तो आप लिखेंगे, पहले तो मैं गिवन पॉलिनोमियल लिख देता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, ठीक। पी एक्स क्या आ जाएगा, जीरो। कब, जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वन, तो ये जाएगा टू टाइम्स ऑफ वन का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स की जगह फिर से वन प्लस रूट टू। नाउ टू इंटू वन का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास टू इट सेल्फ, वन का स्क्वायर वन इंटू टू टू, प्लस के इंटू वन इज के प्लस रूट टू, ठीक है। तो के को आप एक तरफ रखिए, टू और रूट टू दोनों को अगर एल एच एस में लेके जाएंगे तो ये टू भी माइनस टू बन जाएगा, रूट टू भी माइनस रूट टू हो जाएगा। तो फाइनली के मिलेगा आपको एज माइनस टू माइनस रूट टू, ये के की वैल्यू आ रही है। हमको के का वैल्यू भी निकालना था, ठीक है। इसमें दो सेक्शन और है, जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जल्दी से थर्ड सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इस बार भी हमको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, वो आपको गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब ये एक्स माइनस वन जो है वो पी एक्स का फैक्टर है, दैट इज व्हेन वी विल पुट एक्स इक्वल टू वन इन पी एक्स वी मस्ट गेट पी एक्स एज जीरो, ठीक है। तो उस चीज को लिख लेते हैं, आप लिखेंगे कैसे, सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयर फोर एट एक्स इक्वल टू वन, अगेन एक्स इक्वल टू वन कहां से आ रहा है, मैं आपको पिछले दो सेक्शन में समझा चुका हूं, एट एक्स इक्वल टू वन वी मस्ट गेट पी एक्स एज जीरो। बस अब आपको क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल जो पी एक्स है इसमें पी एक्स की जगह जीरो पुट करनी है, और जहां जहां एक्स है आ रहा है इसमें वहां वहां वन पुट करना है, बस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, ये तो गिवन था पॉलिनोमियल। नाउ पी एक्स कितना पुट करेंगे आप, जीरो, इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू एक्स की जगह वन प्लस वन, विच गिव्स अस जीरो इक्वल टू के इंटू वन का स्क्वायर वन, तो ये हो जाएगा के माइनस रूट टू इंटू वन इज रूट टू प्लस वन। अब क्या करेंगे आप, माइनस रूट टू एल एच एस में जाके प्लस रूट टू बनेगा, वन भी एल एच एस में जाके माइनस वन बनेगा, तो फाइनली जो के मिलेगा आपको वो मिलेगा रूट टू माइनस वन, ठीक है। आप रूट टू माइनस वन लिखिए या माइनस वन प्लस रूट टू लिखिए, एक ही बात है। तो ये आपका फाइनल के की वैल्यू है, हमको के का वैल्यू ही निकालना था, ठीक। इसमें एक सेक्शन और बच रहा है और लास्ट सेक्शन है फोर्थ सेक्शन थर्ड क्वेश्चन का, जल्दी से उसको भी मैं दिखा देता हूं आपको, एंड अप कर देते हैं इसको। दिस वन अगेन के की वैल्यू निकालनी है व्हेन एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो क्या करना है, एक्स इक्वल टू वन पुट करने से पी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो। बस तीन सेक्शन करवा चुका हूं, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, और कोशिश करिए खुद से करने का, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा उससे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंस एग्जाम में जैसे लिखेंगे आप, सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयर फोर एट एक्स इक्वल टू वन पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये होना चाहिए। तो पी एक्स क्या गिवन है आपको, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, ये गिवन है। पी एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे और जहां जहां एक्स है वहां
1 पुट करेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वायर हो गया ये माइनस 3 इंटू एक्स की जगह अगेन 1 प्लस k. नाउ 0 इक्वल टू k हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू k इज k माइनस 3 वन जो 3 प्लस k. ठीक है इस बार k दो बार एक्चुअली तो 0 इक्वल टू k प्लस k इज 2k माइनस 3. नाउ माइनस 3 को आप ले जाएंगे LHS में तो ये बन जाएगा 3 इक्वल टू 2k. फाइनली k मिलेगा आपको ये 2 को आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं 2 को LHS में ले जाइए उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा. ठीक है तो k मिल जाएगा आपको एज 3/2. तो फाइनली जो k की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी थी वो कितनी है 3/2. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. हमने पूरा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, थर्ड क्वेश्चन के सारे सेक्शन सॉल्व कर लिए. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज.